क्या था वो? जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास भगवान होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके पास आलू होता है। जब कुछ समझ नहीं आता ना तो आदमी आलू उठाता है और चालू हो जाता है। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और आलू के साथ चालू हो जाएंगे, वो वाले चालू नहीं, शुरू हो जाएंगे म्यूजिक के बाद। चालू नहीं है हम, वैसे शरीफ हैं। तो जी, हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए आपको चाहिए हनी चिली और पोटैटो। आलू में सबसे पहले कभी भी कुछ भी, अगर आपको तल के क्रिप्सी चाहिए मामला है एकदम तल के क्रिप्सी, तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पहाड़ी आलू। ठीक है जी, ये इस किस्म का आलू जो ऊपर से खुरदरा होता है, लाल भी होता है सफ़ेद भी होता है, लेकिन चिकना आलू नहीं चाहिए। वी डोंट नीड अ वैक्सी पोटैटो विद अ शाइनी स्किन। ठीक है जी, हमको चाहिए खुरदरा आलू जिसकी स्किन ऐसे रफ हो। ये आ रही आवाज़ रफनेस की? रफनेस की भी आवाज़ होती है, बताइए। चलो जी, आलू तो छिल गया, अब आपसे एक पूछते हैं जनरल नॉलेज का सवाल। ठीक है, अब पीलर से आप आलू छील रहे हैं तो ये लीजिए, पीलर की ये पूरी दुकान जो है हमने लगा रखी है, देख रहे हैं आप। अब जनरल नॉलेज का सवाल जो है वो ये है, पीलर के साइड में ये नोक, ये चोंच, ये क्यों निकली होती है भला, बताइए। ये 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 क्यों निकली होती है बताइए, नीचे कमेंट्स में लिखिए, नीचे कमेंट्स में मैं बता देता हूँ। ऐसे क्या मजाक करना है यार। देखिए, आलू जो है आजकल तो बड़े रिफाइंड आते हैं, बट आलू की जो आईज होती है ना, आईज, ये जैसे यहाँ पर आलू की आँख है, इसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये देखिए, ताकि आलू अच्छे से छिल सके, ये देख रहे हैं आप। तो अगर आप ये सोचते थे कि मेरा जो पीलर है उसके साइड में ये जो लटकाने के लिए धागा बांध के, वो एक्चुअली फैक्ट नहीं है, इसका काम है सिर्फ आईज निकालना, ये देखिए। तो हनी चिली पोटैटो के पोटैटो पील हो गए जी, ठीक है। अब इसको पील करके आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, डाइस भी कर सकते हैं, मोटा मोटा स्लाइस भी कर सकते हैं, या लंबा लंबा भी काट सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ लंबा लंबा काट दूँ, लगभग एक साइज़ का रखना है। एक साइज़ का रहेगा तो एक साथ पकेगा और एक साथ क्रिप्सी होगा, बट मोटा मोटी कभी भी कुछ भी क्रिप्सी करारा बनाना हो तो सीधा पहाड़ी आलू ढूंढने का है, मीली पोटैटो पहाड़ी आलू। जब इसको उबालेंगे तो ये भुरभुरा हो जाएगा, मोम की तरह चिकना नहीं होगा, बस इसकी जो सबसे बड़ी मोनोपोली है वो वही है। अच्छा, ये आलू जो है मैंने मोटे रखे हैं, मुझे चंकी आलू पसंद है, अगर आप चाहें तो पतले भी रख सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज से भी बनाते हैं, वो फ्रोज़न वाली फ्रेंच फ्राइज़ आती है ना, वो फ्रोज़न वाली फ्रेंच फ्राइज़ ले आइए और सीधा वो इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, पहाड़ी आलू नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मिल रहा है तो जो खुद बनाने का मज़ा है साहब, वो फ्रोज़न वोजन फ्रेंच फ्राइज वेंच फ्राइज का नहीं। वैसे तो पतीला चाहिए था बट कढ़ाई मिल गई तो कढ़ाई में उबाल लेते हैं हम। आलू को पहले अच्छे से धो लूँगा मैं, दो तीन बार पानी चेंज कर लूँगा इससे, क्यों? क्योंकि इसकी जो माड़ है वो जितनी निकल जाए उतना अच्छा है, द स्टार्च नीड्स टू कम ऑफ। ठीक है ना, पानी में नमक और आलू, हेलो जी, बढ़िया है। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसको पानी से सिर्फ ढकना है, आलू शुड जस्ट बी कवर्ड। उसके बाद इसको पका पका के एकदम हलवा बना लेना है, फिर उसमें डालनी है हनी और फिर डालनी है चिली और फिर काम हो गया। ठीक, ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आलू को सिर्फ 60% पका के निकाल लेना है। वो वाले कैमरा में जो लोग देख रहे थे ना, मैं उनको बोल रहा था, मजाक कर रहा था। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, वरना जिंदगी क्या है, हैं? चंद दावतों की मोहताज ही तो है। अब क्या करें, तब तक करने को तो कुछ नहीं है, काम करते हैं, मिर्च काट लेते हैं। हनी चिली पोटैटो की मैंने बड़ी सारी रेसिपीज देखी और फिर
मैंने अपने पुराने सारे चाइनीज़ शेफ्स को फ़ोन किया, क्योंकि हनी चिली पोटैटो में जितने मेरे चाइनीज़ शेफ़ थे, चाहे वो दिल्ली के होटल में हों, बॉम्बे के होटल में हों, वो सारे के सारे डालते थे ड्राई चिली। और मैं इंटरनेट पे देखने जा रहा हूँ, भाई कोई ड्राई चिली डाल के राजी नहीं है। तो मैंने फिर अपने शेफ़ों को फ़ोन किया, मैंने तुमने मेरे को इतने साल बेवकूफ़ बनाया। बोलते नहीं शेफ, वो रेसिपी गलत है। तो मुद्दे की बात जो है, मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं, वो ये है कि अगर आपको बनाना है हनी चिली पोटैटो तो चिली ये वाली चाहिए, ठीक है, और आप दुनिया को भी बता दीजिएगा, चौड़े होके मेरा नाम लगा दीजिएगा। इसको 50% पकाना है। ये देखिए, फुल बॉयल नहीं करना। 60% कैसे पता चलेगा? जब ये आलू सफ़ेद होना शुरू हो जाए पीले से, तो मतलब अपना काम जो है वो हो गया है। ये देखिए, गरम गरम आलू के साथ काम करना है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। ये है पहले का आलू और ये है बाद का आलू। देख रहे हैं, सफ़ेद हो गया है, पता लग रहा है कि स्टार्च पकनी शुरू हो गई है। इस स्टेज तक इसको पकाना है। अब ये जो आलू निकाला है, गरम गरम आलू में कॉर्नस्टार्च या अरारूट डालना है फटाक से, कंजूसी नहीं करनी। थोड़ा नमक, नमक हालांकि आलू के अंदर है, फिर भी थोड़ा और डाल लीजिए। अगर ये आलू आपने 100% पका दिया होता तो अब तक क्या बन गया होता? हलवा। और आप क्या कह रहे होते? रणवीर आपने बताया नहीं, लेकिन हमने आलू पूरा नहीं पकाया है। अब देखिए, आलू को गरम गरम निकालने का जो फायदा है वो ये है कि गरम गरम आलू के ऊपर फटाक से कॉर्नस्टार्च चिपक जाता है। देखिए, आलू को कॉर्नस्टार्च लगा के ना कम से कम आपने छोड़ना है 10-15 मिनट। हाँ, 10-15 मिनट क्या है, वो कॉर्नस्टार्च आलू को पकड़ लेगा। अगर मान लीजिए आपको टेंशन हो रही है कि नहीं पकड़ेगा, तो इसके ऊपर एक गीला कपड़ा डाल दीजिए या हल्का सा पानी का छींटा मार दीजिए, तो कॉर्नस्टार्च पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपने गरम गरम आलू पानी से निकाला है और सीधा उसके ऊपर कॉर्नस्टार्च डाला है, तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, गारंटी मेरी है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरी तरह बातें करने में लग गए हैं बीच में, किसी का फ़ोन आ गया है या कोई कैमरा रीसेट हो रहा है, तो फिर हो सकता है कॉर्नस्टार्च ना पकड़े, फिर आपको पानी का छींटा या वाटर स्प्रे मारना पड़ेगा, ठीक। वाटर स्प्रे दिखाना, जरा दिखा देते हैं कौन सा वाला। ये अगर आप रखेंगे अपने पास, ये तो वैसे भी सुखी रहेंगे आप। बेकिंग वेकिंग के काम में, अवन में कुछ भी डालने से पहले हल्का सा पानी स्प्रे कर दें तो उसमें राइज आ जाता है। अगर आपको जैसे हल्का सा कॉर्नस्टार्च ऐसे चिपकाना है, तो ऐसे एक वाटर स्प्रे रख लें, कॉर्नस्टार्च चिपक जाता है। तो ये बेसिकली बहुत काम की चीज़। या फिर अगर धनिया को ऊपर से ऐसे चमकाना है फोटो के लिए, तो बड़े काम की चीज़ है। हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू आलू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। ऐसा कुछ नहीं है, फॉरवर्ड मत कीजिए, फ्राइंग हो रही है। एकदम से नहीं चलाना, कुछ भी तेल में डालना है, उसको वक्त देना है सांस लेने का। अभी जब इसने सांस ले ली तब चलाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, चीज़ें टूट जाती हैं, सारा टेक्सचर ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं होता, सब्र और पेशेंस नहीं होती। हम डालते हैं तेल में कोई चीज़ और फटाक से जाके उसमें कड़छी डाल देते हैं, और फिर जो है वो कुछ और ही बन जाता है, और आप कहते हैं अच्छा। यहाँ पर एक बार आलू डाल दिया ना, फिर तलने के लिए टेम्परेचर मीडियम कर देना है वापस। यहाँ पर कारण क्या है, जिसने मेरा फ्रेंच फ्राइज का वीडियो देखा उसे सब पता है। यहाँ पर कारण ये है कि अंदर से आलू का पानी जो है वो निकालना है, और पानी निकालने के लिए आप चाहते हैं कि बाहर से रंग ना आए। तो अगर बाहर से रंग ना आए और अंदर से पानी निकल जाए, तो तेल जो है वो मीडियम हो सकता है, हाई नहीं हो सकता। हाई होगा तो बाहर से रंग आ जाएगा, अंदर से पानी निकलेगा, पानी अंदर लॉक हो जाएगा, और पानी अगर अंदर लॉक हो जाएगा तो आलू जो है वो क्रिस्पी नहीं होगा। आलू क्रिस्पी नहीं होगा तो फिर आप इसको क्रिस्पी चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो क्रिस्पी कैसे, मतलब समझ गए ना, वही सेम थिंग। तो इसलिए समय दें आलू को तलने के लिए, जितना पानी आपने डाला है उबालते समय, वो निकालना भी है। समझ गए सारे? तो क्या हुआ मेरे को अगर हनी चिली क्रिस्पी पोटैटो नहीं बोलना आया तो? क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो, हनी चिली क्रिस्पी क्रिस्पी। तो बेसिकली देखना क्या है, देखना है इन बुलबुलों को, कि ये सिर्फ बुलबुले नहीं है, ये इंडिकेटर हैं कि आलू में कितना पानी बचा है। बुलबुले कब बनते हैं? जब आलू के अंदर से भाप निकलती है और भाप जो है वो तेल के ज़रिए ऊपर आती है, तब बुलबुले बनते हैं। बहुत सारे बुलबुले मतलब बहुत सारी भाप मतलब बहुत सारा पानी। तो जब बहुत सारे बुलबुले आ रहे हों, तो उसका मतलब अभी आलू अंदर से गीला है। लेकिन जब बुलबुले कम हो जाए, जैसे देखिए अभी बुलबुले कितने कम हो गए, तब बिल्कुल तैयार हो जाइए एकदम। हाँ, नाइस, दिस इज़ गुड इनफ। देखिए, क्योंकि थोड़ा तो अंदर आपको मॉइस्चर छोड़ना पड़ेगा ना,
ताकि आलू जो है वो एकदम पत्थर ना बने। तो इतना बहुत है, देखिए ये लो जी, हो गया ना ब्यूटीफुल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो ये है, कुकिंग इज अ सम टोटल ऑफ बेसिक्स। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आलू जो है मेरे को यूज़ करना है ज़्यादा स्टार्च वाला, तो स्टार्च जो है वो पहले फूलेगी पानी में जाके, और उसके बाद वही स्टार्च जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी तेल में जाके। और फिर आपको ये समझ में आ गया कि पानी जो है वो ज़्यादा नहीं रखना है, तल तल के उसका पानी निकालना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर क्रिस्पी करनी है, एकदम क्रिस्पी करनी है, तो उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको ये अंदाज़ा भी हो गया कि ये आलू जो हम अभी निकाल रहे हैं ये फाइनल नहीं है। अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है, ये फिर भी हाफ डन कर रहा हूँ मैं, सुपर क्रिस्पी है। देखिए आवाज़ सुनिए, देख रहे हैं, सारे आलू जो है वो एक साथ दोबारा तलूंगा, बिकॉज उससे क्या है ना कि एक तो सब पे कलर एक जैसा आएगा, दूसरे सब बराबर क्रिस्पी हो जाएंगे, और तीसरा जब ज़रूरत होगी तब आलू हमको गरम गरम और क्रिस्पी क्रिस्पी मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इस स्टेज में आलू को फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं और फ्रीज़र से सीधा निकाल के फ्राई कर सकते हैं, वैसे का वैसा क्रिस्पी होगा, कोई नहीं बता पाएगा कि आपने फ्रीज़र में डाला हुआ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारी गारंटी है। क्या करें, रणवीर बेमानी करना सिखा रहा है? अरे अगर मतलब आपने 20-30 लोगों की पार्टी बुला ली तो ऐसे थोड़ी ना कि आप 20-30 लोगों का आलू काटेंगे तलेंगे और फिर मतलब शॉर्टकट दे रहा हूँ भाई। और ये है, दिस इज़ द टिपिकल पार्टी स्नैक। पार्टी स्नैक्स में आपने हनी चिली पोटैटो या ऐसा कुछ भी क्रिस्पी पोटैटो बोल दिया ना, क्रिस्पी चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो, मतलब जो है आधी जनता वहीं धराशायी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक आखिरी बार अपने आलूओं को कर लेते हैं क्रिस्पी, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई पूरी हो जाएगी। बुलबुले इज इक्वल टू वाटर, अब तो सबको पता है। ये जो तलने की आवाज़ है ना, मैं क्या, ये बिल्कुल वैसी होनी जैसे बारिश, भीनी भीनी बारिश, ये भीनी भीनी जो आवाज़ है ना बस जान यही निकाल देती है। सुन रहे हैं आप, थोड़ा माइक पास लेके आता हूँ। रंग वंग सब बराबर हो गया, देखिए एक आधा आलू अगर बगैर पूछे कढ़ाई से गिर जाए तो कोई बात नहीं, गुस्सा करके या प्यार से समझा के वापस डाल लीजिए कढ़ाई में, वेस्ट नहीं करते आलू, इतनी मुश्किल से इतनी दूर लेके आए हम इसको। नाइस, ठीक है ना, अब ये हो गया एकदम क्रिस्पी लाल, एकदम चाट वाला मामला जो है तैयार हो गया है। रंगो रोगन देख के पता चल रहा है कि मामला तैयार है। दिखाया जाए क्रिस्पी, घना क्रिस्पी हो गया मामला। एंड लाइक आई सेड, आप उसको हाफ फ्राई करके फ्रीजर में डाल सकते हैं, 6 महीने कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है, और उसके बाद सीधा गर्म तेल में डाल दीजिए। क्रिस्पी बोले तो क्रिस्पी, नो किडिंग वाला क्रिस्पी। अब शुरू करते हैं मामला, सबसे पहले तेल, ब्यूटीफुल, उसके बाद अपनी मिर्च और अदरक, लेकिन चिली को हल्का सा यहाँ पे क्रिस्पी कर लेना है, जला लेना है। चिली जो जलती है तो स्मोकीनेस देती है, वो स्मोकीनेस इस डिश की मोनोपोली है, इसलिए इस डिश में ड्राई रेड चिली डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो चिली की स्मोकीनेस है वही इस डिश को ये डिश बनाती है। जैसे ही चिली क्रिस्पी हुई, अगर सेजवान सॉस है तो सेजवान सॉस, नहीं तो केचप, हल्का सा सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा नाम भर का, हल्का सा नमक, सोया सॉस है उसके अंदर नमक होगा, उस हिसाब से डालिएगा। और अब अपना आलू उर्फ पोटैटो, आवाज़ जो है बस वो मोनोपोली है। अंत में जो है वो जीत हनी की होती है, मनी की जीत हो ना हो, हनी की जीत हमेशा होती है, और हनी अंत में डालिएगा। और आप में से जो ये कमेंट करने वाले हैं कि हनी जो है वो जहरीला हो जाता है पकने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, हनी का न्यूट्रिशन कम हो जाता है पकने के बाद, जहरीला नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता हनी, ठीक है जी, तो इसलिए बिंदास डालिए। क्या था वो लिफाफा, देख के खत का मजमून भांप लेते हैं ना, वैसे हम आवाज़ सुन के डिश का हिसाब किताब बता देते हैं, और ये डिश का हिसाब किताब बड़ा ख़तरनाक है, अच्छा वाला ख़तरनाक। अब ये रहा तिल, और तिल जो है कच्चा नहीं है, टोस्टेड है, ब्यूटीफुल, वाह, इसे कहते हैं मामला गंभीर होना, नहीं नहीं अच्छा वाला गंभीर। अब आपको चिढ़ा लूँ, वाह भाई वाह।
जिसके पास कुछ नहीं है ना उसके पास आलू है, और जिसके पास ये रेसिपी है ना उसको आलू के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में। कसम से बोल रहा हूँ, क्या बना दिया रणबीर तूने। बनाइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब करवाइए भाई लोगों से। 10 मिलियन तक पहुँचना है कि ऐसे ही 5 मिलियन पे खड़े रहना है? लालची नहीं हो रहा हूँ मैं, आप पे भरोसा है मेरे को, चीज़ बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू वेरी मच मेरी बदतमीजियाँ झेलने के लिए। इसके साथ में चाहिए गरम गरम चाय और थोड़ी सी बारिश।